दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं और आप अभी बाजार में नए हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा, और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि वॉरेन बफेट दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान हैं, जिनकी पूरी संपत्ति इन्वेस्टिंग से ही बनी है और इन्हें शेयर मार्केट किंग भी कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग के ऊपर वॉरेन बफेट की 5 टिप्स देने वाला हूँ, जिसे फॉलो कर आप भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जब सब लालची हो जाएं तो डरो, और जब सब डरे तो लालची हो जाओ। दोस्तों, इन दिनों शेयर बाजार में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, और शेयर बाजार बहुत से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और लोग भी शेयर बाजार में पैसा लगाकर अपनी किस्मत चमकाना चाह रहे हैं। और कोविड-19 के दौरान ऐसा लग रहा था कि लोगों ने वॉरेन बफेट की इस टिप को खूब फॉलो किया है, क्योंकि देखा जाए तो कोविड के कारण हर देश की इकोनॉमी गिरे पड़ी थी और हर कोई डरा हुआ था, और इसी कारण मार्केट भी बहुत नीचे आ गई थी, और इसी टाइम सारे नए इन्वेस्टर लालची हो गए और इस गिरावट का उन्होंने खूब फायदा उठाया। इन्होंने शेयर बाजार में इतना निवेश किया कि हर दिन मार्केट अपना नया रिकॉर्ड बना रहा था। और आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 में डीमैट अकाउंट की संख्या करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई थी, मतलब 2020 की गिरावट के बाद 1 करोड़ नए लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया और इन्वेस्टिंग के इम्पोर्टेंस को समझा। वैसे इस टिप में वॉरेन बफेट का ये कहना है कि जब सारे लोग अपने शेयर बेच रहे हो, मतलब जब मार्केट गिरेगी तब आप उसमें इन्वेस्ट करो, और जब सारे लोग शेयर खरीद रहे हैं तो जाहिर है मार्केट भी चढ़ेगा, तब आप अपने शेयर को बेच सकते हैं अगर आप बेचना चाहते हैं तो। टिप नंबर 2, सॉक्स हो या स्टॉक्स, खरीदो हमेशा क्वालिटी के ही। दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली एक इंसान का पोर्टफोलियो देखा जिसमें उसने दुनिया भर के स्टॉक्स को जमा करके रखा था। उसने अपने पोर्टफोलियो में करीब 50 से ज़्यादा स्टॉक्स रखे थे, जिसमें उसके 35 स्टॉक तो अंडर परफॉर्म में ही थे। तो क्या ये सही तरीका है इन्वेस्टिंग का? दोस्तों, क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 स्टॉक ही होते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने पर ही भरोसा रखते हैं। दोस्तों, क्वालिटी चाहिए तो आपको उसका दाम भी चुकाना होगा, लेकिन इससे आपको कभी भी निराशा नहीं देखना पड़ेगा। और वही नए बिगिनर्स अक्सर ये करते हैं कि उन्हें जो स्टॉक्स चीप प्राइस पर मिल रहा होता है तो उसे खरीद लेते हैं, वो भी बिना एनालिसिस किए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि 10 रुपये का स्टॉक अगर 10 रुपये भी बढ़ेगा तो उनका रिटर्न दुगना हो जाएगा। यही सोच से वो ऐसे पेनी स्टॉक्स ही खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन अफसोस वो 10 रुपये वाला स्टॉक्स कभी भी 20 का नहीं हो पाता। इसलिए कम खरीदो पर अच्छा खरीदो। कोविड के दौरान जब मार्केट क्रैश हुई थी तब मार्केट करीब 50% तक सस्ती हो गई थी, तो उस वक्त आपको क्वालिटी स्टॉक्स भी आधे दामों पर मिल रहे थे, जिसका फायदा लोगों ने खूब उठाया। टिप नंबर 3, मौका आने पर खरीदना ना भूलें। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, कोविड में मार्केट क्रैश के बाद सेंसेक्स के करीब 250 शेयर की प्राइस डबल हो गई, वो भी 1 साल से भी कम समय के अंदर। और इस गिरावट में जिन लोगों ने भी अपना पैसा लगाया उन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाया। लार्ज कैप हो या मिड कैप स्मॉल कैप, तीनों टाइप की कंपनियों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। दोस्तों, ये है APL अपोलो ट्यूब कंपनी, जो कि स्टील ट्यूब बनाने का काम करती है, और इंडिया में ये सबसे बड़ी स्टील ट्यूब बनाने वाली कंपनी है। और अगर आप इसके 3 साल के रिटर्न देखते हैं तो इसका रिटर्न बहुत ही इम्प्रेसिव रहा है। 3 साल में ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी रही है, जिसका रिटर्न 669% का रहा है। कोविड में मार्केट क्रैश के दौरान इसका शेयर प्राइस 108 रुपये पर था, और लास्ट दिसंबर तक इसने 1008 रुपये का हाई लगाया। और जिसने भी इसे उस वक्त खरीद कर अभी तक रखा होगा उसके पैसे 8 से 9 गुना तक ग्रो हो ही गए होंगे। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश में आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि करेज दिखाकर और बाय करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है री इन्वेस्ट करने की। टिप नंबर 4, बाजार में पैसा उन्हीं का बनेगा जिसमें धैर्य होगा। दोस्तों, अगर शेयर बाजार को देखें तो जो लोग सब्र करके बैठते हैं उन्हें ही बाजार से फ़ायदा होता है। कोविड के पहले सेंसेक्स 41,000 के ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन कोरोना में ये लुढ़क कर सीधा 25,000 पर आ गया था। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने सब्र करके अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखा था और पैनिक में आकर नहीं बेचा था, उनको भी आज कितना फ़ायदा हुआ होगा ये आप देख ही सकते हैं। और अभी सेंसेक्स करीब 60 से 65,000 पर खड़ा है, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई करेक्शन आता है तो वो रिकवर भी उसी तेज़ी से ही करता है। कोरोना में बहुत से नए डीमैट अकाउंट तो खुले हैं, लेकिन इनमें निवेशक बहुत ही कम मात्रा में हैं। कोविड के दौरान ज़्यादातर यंगस्टर ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं, और यंगस्टर लोगों को अक्सर फैंसी चीज़ें ही पसंद आती हैं। जैसे शेयर मार्केट में बात की जाए तो इन्हें इन्वेस्टिंग ज़्यादा बोरिंग और ट्रेडिंग ज़्यादा पसंद आती है।
ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग सही तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन वो आते तो जोश के साथ हैं और फिर जब उनका लॉस होता है तो वो पूरा ब्लेम मार्केट को ठहरा देते हैं और कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुए सट्टे जैसा है। लेकिन ये लोग खुद के अंदर धैर्य नहीं रखेंगे, और पैसा हो या कुछ और, जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। टिप नंबर 5, अगर आप निवेश नहीं कर रहे तो आप गलती कर रहे हो। दोस्तों, समय के साथ साथ चीज़ों की भी कीमत बढ़ते ही जा रही है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे में आप आज जो चीज़ खरीद पा रहे हैं तो कुछ सालों बाद आप सिर्फ उसके सपने ही देखते रह जाएंगे। ऐसे में इन्वेस्टिंग करना आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है, और वॉरेन बफेट इसी टिप को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि जिसने इन्वेस्टिंग के बारे में सोच भी लिया, मान लो उसने अमीर बनने के अपने पहले स्टेप को पार कर लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।